जा मैं लकड़ी आगे और ये देखो, ये बड़ी बड़ी हवेली है, हवेली काफी सुंदर है और मजबूत है, काम भी चल रहा है यहाँ पे। आधा ऐसा इसका बंदा आधे हिस्से में जाने से हमें रोक मना है अभी, क्योंकि उसमें काम चल रहा है। ये देखिए पतली पतली रास्ता जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा किला सुमसाम पड़ा हुआ है। ये क्या चीज़ है, इसमें चारों तरफ पूरे किले में चमकादड़ की बू आ रही है। और ये देखिए सबसे बड़ा खंडर, सबसे बड़ा खंडर ये है, लेकिन इसकी चारों तरफ ये देखिए मधुमक्खी है। इसलिए राज भाई आ जाओ, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। इसमें देखो लकड़ी की छत बनी हुई है सबसे ज़्यादा, जो कि अभी वैसी की वैसी रखी हुई है। ये है कुम्हेर का किला, ये जो कि भरतपुर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये डीग वाले रोड पर किले की दीवार अभी बहुत मजबूत है और पूरा किला खाली पड़ा हुआ है, और ऊंची ऊंची हवेलियाँ बनी हुई है इसमें। ये देखो कोई वहाँ पर एक गुफा है इसमें, लेकिन वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आओ और दिखाते हैं तुम्हें कुम्हेर का किला। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं उस जमाने में। राज भाई ज़्यादा अंदर उधर उधर नहीं, आइए साफ है। राज भाई, राज भाई उधर चलो। इसके लिए की एक और खासियत है, देखो पूरे में ना छत पे लकड़ी के वो लगे हुए हैं बरगे, पूरी छत लकड़ी की बनी हुई है। सबसे ज़्यादा मेन बात यह है, ऊपर भी ऊपर नीचे भी ऊपर नहीं जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा ऊपर, तो बस वहाँ चलेंगे उधर चलेंगे। देखो ऊपर देखो लकड़ी की भी छत बनी हुई है, किला काफ़ी मजबूत है, लेकिन जय का जी अभी खंडर के रूप में एक खाली पड़ा हुआ है। तो आप चलते हैं अभी इसे।